नहीं होता, विरोध होता है कि साहब मेरे साथ बुरा क्यों। आपको मालूम है नील नितिन मुकेश ने बहुत बड़े स्टार्स को बोल दिया था शट अप, देखना, देखा आपने वो वीडियो? जी, उसकी खिंचाई कर रहे थे नील नितिन, क्यों आप किसी की खिंचाई करते हो यार, मजाक करना एक अलग चीज है। वो भी स्टेज पे खुलेआम अवार्ड शो, आप कह रहे हैं कि तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारा ये मुकेश क्या, तुम्हारी सरनेम व्हाट द हेल, आप क्या मतलब है, कोई अपनी जाति लगाता है, आप क्यों जातिवाद फैला रहे हैं स्टेज पर जाकर। लेट इट बी एनी बिग पर्सनैलिटी, आप अपने लाइन पर ताली बजवाने के लिए दूसरे की छीछा लेदर कर देंगे, दिस इज अ रियल नॉनसेंस। आई डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू एज ए ह्यूमन बीइंग, क्या आप सामने वाले की इज्जत कर रहे हैं या नहीं, सामने वाला छोटा है या बड़ा कलाकार है, कलाकार कलाकार है। मैं राइटर को भी कलाकार मानता हूं, निर्देशक को भी कलाकार मानता हूं, निर्माता को भी, संगीतकार को भी, लेखक, हर कोई कलाकार है, हर किसी का सम्मान चाहिए। मेरे पास स्पॉट बॉय भी आता, मैं उसको बोलता हां भैया, मेरे सामने मैंने देखा कि बड़े बड़े लोग स्पॉट बॉय को ऐसे बदतमीजी से पेश आते हैं। मेरा अभी एक टीवी सीरियल था, उसमें हीरो ने इतनी बदतमीजी से जूनियर आर्टिस्ट से बात की क्योंकि मेरे सीन पर तालियां बज गई, तो उनको बुरा लग गया, उन्होंने कहा कि आपने कितने पैसे दिए इनको तालियां बजवाने के लिए। जूनियर आर्टिस्ट भड़क गए साहब, वो बोले हम काम नहीं करेंगे, बाहर निकल आए। क्या मतलब है, हमें किसी का काम अच्छा लगा हम ताली बजाएंगे, वो हीरो है या वन सीन है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। तो आप में क्षमता है, आपने इतने सारे काम करने के बाद फाइनली मुझे लगता है कि आपने एक सीरियल किया था राजा और रेंचो जी, जिसमें आपका दिल और दिमाग दोनों पूरी तरह से इन्वॉल्व था, और उसको देखने के बाद लगता था कि आपने पहली बार किसी प्रोजेक्ट में पूरी तरह एंजॉय किया। हाँ, क्योंकि मुझे चरित्र ऐसा मिला जो मैंने लव 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 की, उसमें भी बाकी सब लड़कों के साथ जब मैं था, मैं गुलशन ग्रोवर की टीम में था, आप मेरे काम में कहीं कोई कमी नहीं देखेंगे, मैं फुल हार्टेडली मैंने उसमें काम किया, लेकिन मेरी सक्षमता का सदुपयोग नहीं हुआ। जब राजा और रेंचो में, जब लागीतो से लगन में, जब श्याम बेनेगल साहब का डिस्कवरी ऑफ इंडिया में मेरा सही इस्तेमाल किया गया, मेरी जो विशेषताएं हैं, तो साहब मजा आया, वाह, इसे कहते हैं श्याम जी ने ये जो थी लागी तुस अपना डिस्कवरी ऑफ इंडिया। हाँ जी, हाँ जी, श्याम जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, भारत एक खोज में, मुझे उतना पैसा दिया था एक एपिसोड के लिए जितना उन्होंने अमरीश पुरी जी को दिया, जितना उन्होंने ओम पुरी जी को दिया, जितना उन्होंने नसीरुद्दीन शाह साहब को दिया जी। और मुझे अपने पास बुलाकर अकाउंटेंट के थ्रू ने दिलवाया था, मुझे कहा था वेद तुम्हारे काम से मैं इतना खुश हूं कि मैं तुम्हें इन तीनों बड़े महान मंझे हुए कलाकारों की लाइन में रखता हूं। मैंने ऐसे प्रणाम किया था, मैंने कहा साहब बस मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि आपने मुझे इस योग्य समझ लिया। 1,000 रुपए पर डे मिलने वाले आर्टिस्ट को अगर 7,500 रुपए जो अमरीश पुरी साहब को उन दिनों मिलता था वो मिल जाए, जब मैं ऐसिक नगर पर किराए में रहता था और किराए की समस्या होती थी क्योंकि मैं घर वालों से मंगाना नहीं चाहता था, मैं सक्षम परिवार से हूँ, मेरा परिवार वाले बहुत अच्छे पैसे वाले लोग थे, मैं मंगाना नहीं चाहता था क्योंकि फिर मेरा अपना क्या वजूद है, अगर मैं निर्भरता के साथ में आया हूं तो मैं इस काम में आया ही क्यों। जी रमेश जी, ये आपने कलर के एक शो अदालत में आपने काम किया था, और मुझे लगता है कि वो शायद कैरेक्टर आपके पर्सनल कैरेक्टर से बहुत मैच करता था, जिसको बोलते हैं न्यायवादी, लेकिन वो 24 एपिसोड के बाद ही आपने छोड़ दिया, क्या वजह रही? अदालत में नहीं, कलर्स का अदालत नहीं था, कलर सोनी का था। हाँ, अच्छा, तो मैंने 24 एपिसोड नहीं किए, मैंने उसमें 2 कहानियां की थी, और 2 कहानियों में वो न्यायविद वाला जो चरित्र था मेरा, वो ऐसे आया था ऊपर के ऊपर, ये शूट किया था उसने ऊपर, पर वो है वहां वो चल गया कूटनीति। यहाँ पे मैं फिर एक बार आपको पीछे की तरफ ले चलूंगा, 16 साल पहले आपने एक अपनी संस्था शुरू की थी हम आवाज जी, 19 साल पहले, अब 19 साल हो गया शायद। हाँ। तो हम आवाज में आपने काफी काम किया, आपकी आवाज बड़ी दूर तक जाती है, आज भी जाती है।
तो जो समस्या से आप एक नहीं शायद तीसरी बार पीड़ित हुए सीरियल के बाद, जो अभी अभी आपने कहा जी 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 जी, तो इस मुद्दे को लेके आपने अपने लिए ना सही लेकिन उन कलाकारों के लिए जिनके पास कोई शक्ति नहीं है, कोई अपनी आवाज को दूर तक ले जाने का कोई माध्यम नहीं है, उन लोगों के लिए कभी आपने आवाज उठाने की नहीं सोची? जी बिल्कुल सोची ही नहीं बल्कि मैंने किया भी। मैं निर्माताओं से मैंने बहस की, एसोसिएशन में मैंने बात की, लेकिन क्या होता है हमारे पास सबसे ज्यादा जो वीक एसोसिएशन है वो कलाकारों के लिए है एसोसिएशन। अगर किसी लाइट मैन के साथ में किसी तरह की समस्या हो जाती है तो उनकी एसोसिएशन उनके लिए ऐसा लड़ती है कि आप यकीन नहीं कर सकते। अगर मेकअप आर्टिस्ट के लिए, एक्शन वालों डिपार्टमेंट के लिए, ड्रेस डिपार्टमेंट के लिए, सब लोग अपने अपने एसोसिएशन के लिए लड़ने के लिए खड़े रहते हैं। हमारी एसोसिएशन लड़ने के लिए तो खड़ी रहती है हमारे लिए, हमारा पैसा कहीं फंस जाए तो वो कोशिश तो करते हैं, लेकिन एसोसिएशन में काम नहीं देने के लिए उनके पास कोई जरिया नहीं है। मेरे पास तो चलो एक ऐसा जरिया है कि मैं कमा रहा हूँ, मेरे पास ये डुप्लेक्स ऑफिस है, इतना बड़ा कमर्शियल ऑफिस है, तो ये कहीं ना कहीं से तो आया अच्छाई से। लेकिन हमारे आर्टिस्ट के पास में ये श्योरिटी नहीं है कि उसको काम मिलेगा। जब मैंने एसोसिएशन में जब जब ये बात की तो वहां बैठे कुछ लोगों ने सामने से बोल दिया, भैया नमस्कार, आपकी बात का हम सहयोग नहीं करते, विरोध करते हैं, ये ऐसा नहीं चल सकता। सो मैंने बहुत कोशिश की, हर स्तर पर कोशिश की, लेकिन मैं अकेला ही रह जाता रहा हमेशा। और उसमें क्या हुआ कि मेरा काम छिनता रहा, ये तो बोल देता है यार, ये तो विरोध करता है, ये तो सच कहता है, तो सच कहने वाला बड़ा कड़वा होता। लेकिन आपकी जो संस्था है हम आवाज, इतने बड़े बड़े काम किए हैं। भुज में जो भूकंप आया था उस वक्त आप लोगों ने भुज की बहुत सारी समस्याओं का समाधान ग्राउंड लेवल पे जाके किया। 9 महीने में वही रहा था, तो 9 महीने रह के आपने जिस तरह की समस्याओं को वहां पे सुधारा, लोगों को आत्मनिर्भर बनाया, एक तो उसकी चर्चा कहीं होती नहीं है, नहीं होती है, और आपने जब इस स्तर पे किया तो जाहिर है कि आप अंदर से कितने मजबूत हैं ये पता चलता है। तो अब उस संस्था का इंडस्ट्री वालों के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, उस संस्था का जो लेना देना है वो बहुत अलग है। वो संस्था जो है उन लोगों के लिए है जिनको डिजास्टर यानी आपदा के समय अपनी रक्षा और दूसरे की रक्षा कैसे करें, वो ट्रेनिंग जो हमारे देश में कोई एनजीओ, कोई ट्रस्ट, कोई गवर्नमेंट नहीं कर रही है। दूसरा, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग मैं दे रहा हूँ। तीसरा, लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। और ये हजारों में नहीं, अभी तो लाखों में ये बात पहुंच चुकी। और सिर्फ भुज ही नहीं, अगर आप चले जाएंगे चेन्नई में जो सुनामी आया था, वहां पर भी मैंने 3 महीने रहकर काम किया, 7 बोट्स बांटी वहां लोगों को, 3 गांव में मदद की जाकर, मुडसल, वडई, ईस्ट, नॉर्थ एंड वेस्ट, और वहां रहता रहा मैं 3 महीने। उस संस्था का उद्देश्य बिल्कुल अलग है। उस संस्था का उद्देश्य इन चीजों के साथ आता नहीं, वो एक प्रोटोकॉल होता है, एक नियम होते हैं कि साहब ये काम करेंगे, तो वो मैं उसमें वही काम करता हूँ। और आपने जो एक अच्छी बात कह दी, पहले तो आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा, आपने मेरे लिए तैयारी बहुत अच्छी की है, इसके लिए मैं आपको साधुवाद कहता हूँ। आपने मुझे बहुत अच्छे से स्टडी किया है, तो आप प्रशंसा के पात्र हैं उसके लिए। आप भुज में पहुंच गए, लोगों को याद ही नहीं यार, 9 महीने मैंने अपना एक्टिंग छोड़ दी, बिजनेस छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, इसलिए नहीं कि मुझे कोई प्रमाण पत्र मिल जाएगा गुजरात स्टेट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से। मैंने आज तक कभी भी अपने बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं लिखा कि मुझे एक वो वाला दे देना, वो क्या मिलते हैं जो 3 तरीके के होते हैं, उपाधियां होती है ना, नहीं 3 बड़े बड़े जिसमें मरने के बाद में बंदूकें लेकर चलाई जाती हैं, तीन उपाधियां होती हैं सरकार की। जितना मैंने काम किया है, 2500 वीडियो तो मेरे यूट्यूब पर है मेरे ट्रेनिंग्स के, और मेरे पास ये समस्या होती है कि मेरे हमावास का किराया देने के लिए मैं लोगों से बोलता हूँ यार अभी इस बार क्या करूंगा, किराया नहीं है मेरे पास, मैं अपनी जेब से 16 साल से देता रहा हूं, मेरे माता पिता देते रहे, मेरा परिवार देता रहा, अब उन्होंने भी हाथ खड़े किए, यार तुम तो डाले ही जा रहे हो, और इतना डाले जा रहे हो कि तुमने सब कुछ छोड़कर इसमें चले गए। जी बताइए। लेकिन आपने जो चीजें की इतने सीरियसली उसका रिजल्ट दिया, जैसे किसी खास जगह पे आपने पॉलिथीन को लेकर के एक मुहिम जारी किया, और आज भी वहां पॉलिथीन जो है बैन है पूरी तरीके से। हाँ जी बिल्कुल सही बात। तो वो
वो भारत या किसी शहर के एक कोने में ही ऐसा क्यों है? वो कम से कम मुंबई जहां आप रहते हैं, यहां एक मिशन चला रखा है जिसका असर नहीं दिख रहा है। कारण यह है कि मैं मुंबई के कुछ सबर्ब्स में गया करने के लिए काम, कभी झोपड़पट्टियों में, बिल्डिंग्स में, शॉप्स में, बिल्डिंग्स में गया और मैंने लोगों से बात की, तो मुझे किसी ने थ्रेट दी, बेटा तुम्हारी गाड़ी ये है और उसका नंबर ये है, अगर इस तरह के काम को रोकोगे नहीं ना, तो पहले तो गाड़ी पंचर होगी, फिर तुम्हारा पेट पंचर होगा। तो मैं डरा नहीं उससे, मैं डरता नहीं हूँ। मुझे मेरे पिताजी ने एक चीज सिखाई थी कि जब पार्टीशन के समय हम गोलियों की बौछारों में से निकलते आ रहे थे तो लोग कांप गए, अपना धर्म छोड़ दिया लोगों ने कि हमें जिंदा छोड़ दो। बोले मैं और मेरा एक मित्र, मेरे पिताजी के मित्र थे चमन लाल जी, वो बोले हम लोग लेटते दौड़ते कुओं के अंदर से निकलते, गुरुद्वारों से, मंदिरों से, जंगलों से निकलते हुए हिंदुस्तान में पहुंच गए। तो तुझे जीवन में डरना नहीं है। मैं डरा नहीं, लेकिन मेरे साथ कुछ छोटे छोटे बच्चे बच्चियां होते हैं, अगर मुझे कुछ हार्म पहुंचाया, उन बच्चों को अगर कुछ हो गया, तो मैं कभी जिंदगी में अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगा, चाहे मैं कुर्बान हो जाऊं उस चीज के लिए या मैं जीता रहूं। इसलिए यहां ये नहीं हो पाता। हिमाचल में एक आवाज से बंद कर दिया गया था साहब, मैं शूटिंग कर रहा था और शूटिंग के दौरान मेरा जब टाइम नहीं होता था, मेरा जिस दिन शूटिंग नहीं, मैं बाजारों में निकल जाता था, भैया पॉलिथिन नहीं, लोग मुझे पहचानते थे, अमानत का, अरे अमानत के सर हैं आप, राजा रेंचो के हीरो हैं आप, ये हैं, हाँ जी साहब हम पॉलिथिन का यूज बंद कर देंगे। गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने, लेकिन यहाँ लोग कोशिश करते ही नहीं है, प्रयत्न करने में मैं कोई कमी नहीं रखता। दूसरी तरफ सालों पहले हाईवे पे जो औरतें शौचालय के लिए जाती थी, आपने उनके लिए आपने काफी कोशिश की और उनको एक सही रास्ता दिखाया। ये आप ये कहां से निकाल कर ला? साधुवाद, साधुवाद आपको। बाप रे, मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं, आपको मालूम है, वो बेटियां, वो माँ बहने, मैं उनको अपना मानता हूँ, बेटियां अपनी बहने मानता हूँ। पर मैंने कहा कि ये कैसा है हिसाब किताब, तो मैंने बीएमसी को लिखा कि मुझे शौचालय बनाने दीजिए, और मैंने अनिल मोरारका साहब और उनके पिताजी से कहा और रिक्वेस्ट की, वो बहुत बड़े महान इंसान हैं, कि साहब ये काम करवा दीजिए। बोले ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे, आप परमिशन ले आओ। मैंने बीएमसी से परमिशन से कहा, बोले दे देंगे, लेकिन जिस दिन हमें तोड़ना पड़ेगा हम तोड़ देंगे। अरे यार, ऐसी जगह दो ना जहां आगे तोड़ना ना पड़े। जाइन बहन वो बेचारी 3-4 बजे चली जाती है शौच के लिए, क्यों? क्योंकि दिन में लोग उनको देख ना ले, एक शर्म है, लिहाज है, लज्जा है। पर मैंने ये जो है ना, आजकल लोग इतना चिल्लाते हैं कचरा कचरा, हमारी गवर्नमेंट भी बहुत कह रही है, मेरे पुराने वीडियोस आप देखेंगे तब बीजेपी का कहीं कुछ पता ही नहीं था लोगों को, तब जाकर मैंने ये डिजाइन किया था, सूखा कचरा गीला कचरा, जापान से मदद ली थी मैंने, जापान के एनजीओ से, और डिजाइन करके उसके छोटे छोटे प्रारूप बनाए थे, सैंपल बनाए थे, और वो सैंपल बनाकर बीएमसी के वार्ड में जाकर दिए, साहब मैं ऐसा करना चाहता हूँ। बोला कर लीजिए, लेकिन जिस दिन हमें हटाना होगा, तोड़ना होगा, उस दिन हम तोड़ देंगे। यार आप तो किसी चीज की गारंटी लेते नहीं। मेरे पास तो पैसा नहीं था, पैसा तो मैं किसी से लगवाऊंगा, किसी का लगवाऊंगा तो उसको वेस्ट नहीं जाने दूंगा। मेरे सामाजिक काम में यदि आपने पैसा लगाया साहब, तो आपको उसका आशीर्वाद मिलना चाहिए। आपका पैसा चाय में, कॉफी में, शराब में, पार्टी में नहीं जाना चाहिए बिल्कुल। इतनी क्षमता और इतनी निष्ठा और कर्मठता है मेरे माता पिता के आशीर्वाद से मुझे। लेकिन सर अब जो माहौल है सरकार का, ये आपकी, ये आपकी जो दोनों कोशिश है, ये पॉलिथिन को लेके और शौचालय को लेके, तो आज आपकी संस्था 19 साल की हो गई जी, और सरकार का भी वही एजेंडा है जो आपका है जी, तो क्या अब आप दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आके काम नहीं कर सकते? हाँ जी, मैंने स्वास्थ्य मंत्रालय को लिखा, मैंने गृह मंत्रालय को लिखा, मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री साहब के ऑफिस में लिखा, फोन पर बात की, और भी जो संबंधित मंत्रालय हैं सबको, आज से नहीं, जब से इनकी गवर्नमेंट आई है, मुझे खुशी हुई कि ये लोग कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं, इस चीज को तवज्जो दे रहे हैं, शौचालय को और कचरे को और पॉलिथिन को, पर कहीं से कोई भी मदद नहीं मिली, ना मेल करने से, ना फोन करने से, ना व्यक्तिगत स्तर पर जाकर दिल्ली में मिलने से, कहीं कोई लाभ नहीं मिला। क्योंकि मुझसे कहा गया था कि कुछ दे देंगे आपके संस्थान को, ये भी कहा गया था कि नीचे से कुछ हमें दे देना। अब मैं नीचे से आपको दूंगा तो अकाउंट किसको दिखाऊंगा? वो मैं तो चाय भी नहीं पीता हूँ, शराब तो बहुत दूर की बात है, मैं किसी क्लब का मेंबर नहीं हूँ मुंबई में,
जबकि मैं हीरो रह चुका हूँ टीवी सीरियल्स में, फिल्म में, अभी बड़ी फिल्म आ रही है मेरी सचिन द अल्टीमेट विनर, पर मैं किसी क्लब का मेंबर ही नहीं। क्यों? मेरे पास पैसा नहीं है जाया करने के लिए, मैं पैसा सामाजिक कार्य में लगाऊंगा। तो आप अपनी संस्था के जरिए कहीं और से फंड रेज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? मुझे किसी ने ऑफर किया था आज से 5 साल पहले के 100 करोड़ रुपए हम आपको दिलवा देंगे। मैंने कहा था मैं एक इंस्टीट्यूट बनाना चाहता हूँ जिसको गुरुकुल कहते हैं, जूनियर से लेकर 10th तक बच्चे वहां पढ़ेंगे और उनको डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पॉन्स ट्रेनिंग दी जाएगी, फर्स्ट एड ट्रेनिंग दी जाएगी, नेचुरोपैथी की ट्रेनिंग दी जाएगी, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी और जो सरकारी पढ़ाई का तरीका है वो पढ़ाया जाएगा और फ्री पढ़ाई होगी ये बिल्कुल, चाहे अमीर हो या गरीब हो, रहना भी वही होगा गुरुकुल में। तो ये 100 करोड़ रुपए बोले इसमें से ये विदेश से आएगा पैसा। फिर इसमें बड़े सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट से मैंने बात की, बोले ठीक है हम आपकी मदद करेंगे। फिर वो जो सामने वाली पार्टी थी उन्होंने कहा 35% आपको हमें ब्लैक में देना होगा हमारा कमीशन। तो साहब 100 करोड़ का 35% मैं क्यों बेईमानी करूंगा? बोले 35 हमें दो, 15 आप रखो, 50 हो गया, 50 आप लगाइए समाज के लिए। आई सेड मुझे मेरे माँ बाप ने कभी सिखाया ही नहीं बुरा, चीट करना, किसी का पैसा खा जाना सिखाया नहीं, नहीं सिखाया तो भाई मैं ये काम नहीं कर सकता। फिर मैंने सरकार को बहुत कहा, मैंने जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो राहुल गांधी के यहाँ मैंने मेल किया, उन्होंने 3 दिन में मुझे बुला लिया साहब, एक बड़ी अच्छाई थी उस इंसान में, 3 दिन में मुझे बुला लिया, बोले क्या चाहिए? मैंने कहा 20 एकड़ जगह चाहिए, बोले जाकर माणिक राव ठाकरे से मिलो, वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के उस समय। मैं उनसे जाकर मिला, वो साहब मिले ही नहीं। मैंने कहा राहुल गांधी ने 3 दिन में बुला लिया, आप मुझे 30 दिन में भी टाइम नहीं दे रहे, मैं राहुल गांधी को लिख रहा हूँ, मैंने लिख दिया उनको। फिर इन्होंने मुझे बुलाया, बोले जाओ जगह देखो, मैंने थाने में जाकर जगह देखी, वहां से उसके पेपर्स लिए, पेपर इनके यहाँ सबमिट किए, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका और अल्टीमेटली गवर्नमेंट चली गई, वरना आज वो गुरुकुल कई 100 बच्चों को शिक्षा दे चुका होता, पिछले कम से कम 8 या 9 साल पुरानी बात हो गई। लेकिन जो कोशिश आपने कांग्रेस के टाइम पे किया, बहुत सही कोशिश आपने की, नतीजा चाहे जो भी निकले पर कोशिश आपने सही की। इस वक्त इस सरकार का जो एजेंडा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर पॉलिथीन को लेकर के, और जैसा आपने कहा कि कोशिश आपने की थी मगर लोगों की धमकी, कोशिश की थी नहीं, कोशिश मैं आज भी कर रहा हूं। लोगों की धमकियों से आपको थोड़ा रुकना पड़ा? नहीं, धमकियों से मैं कभी भी रुकूंगा नहीं, मेरे पास, मैं अकेला नहीं होता हूं ना, मैंने आपको बताया मेरे साथ कुछ छोटे छोटे 10-12 साल के बच्चे बच्चियां होते हैं, मैं अकेला नहीं काम कर सकता ना, ऐसा अकेला मैं खड़ा हो जाऊं झंडा लेकर नहीं होगा। जब मैं कुछ नारा देता हूं, जब मैं लोगों से बात करता हूं तो पीछे से आवाज भी आनी चाहिए, वो बच्चे बच्चियों को मैं कैसे सुरक्षा करूंगा साहब? नहीं, मेरा कहना ये था कि आप इन दो एजेंडा को लेकर डायरेक्ट, जैसे आपने राजीव गांधी को नॉक किया, आप राहुल गांधी को तो आप स्ट्रेट वे में सीधा नरेंद्र मोदी जी को भी तो आप नॉक कर सकते हैं। बिल्कुल, मैंने उनके दरवाजे खटखटाए, मैंने उनसे समय मांगा, कभी समय नहीं मिला, मैं डायरेक्टली उनके ऑफिस में चला गया ये पता करके कि वो वहां हैं। लेकिन फिर वही हुआ, ढाक के 3 पात वाली बात हो गई कि नहीं साहब अभी ऐसे नहीं होगा, किसी और से बात कर रहे हैं इस विषय में, कुछ और संस्थाओं से बातचीत चल रही है। अब मैं चिल्ला तो सकता नहीं, वैसे मैं ये भी काम कर चुका हूँ, बाला साहेब ठाकरे के घर के बाहर किसी गरीब को मारा था, उसका घर वर छीन लिया था, तो मैं चिल्ला पड़ा था, बाला साहेब ठाकरे ने 100% ईमानदारी से उस इंसान की मदद की, थैंक यू बाला साहेब ठाकरे, एंड मैं चिल्ला पड़ा था उनके बंगले के नीचे जाकर, पुलिस वालों ने घेर लिया, पकड़ लिया, बहुत पुलिस रहती है ना उनके, चिल्ला पड़ा था। मैंने कहा साहब ये कैसा मामला हुआ कि आप उन दिनों उनकी गवर्नमेंट थी बीजेपी की और उनकी, तब की बात है ये, पहली बार मैं चिल्ला पड़ा था कि नहीं साहब मैं तो करूंगा। तो अभी बाला साहेब ठाकरे के बेटे ही गवर्नमेंट में है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपने पिता से प्रभावित तो होंगे ही, वो बहुत अच्छे इंसान भी हैं, बहुत अच्छे हार्ड वर्कर हैं, तो इसलिए नहीं कि यहाँ की गवर्नमेंट है मुझे कोई अच्छा नहीं लगता, मैं बोलता हूँ कि साहब अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, वो भी और उनके बेटे भी डे नाइट काम कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ डे नाइट। आदित्य को मैंने उनके यहाँ भी बहुत कोशिश की, मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ गोरेगांव में उसी में उनके पीए रहते हैं और मेरे सामने वाली बिल्डिंग में भी रहते हैं 2-3 PA जो अलग अलग हैं, मैंने उनसे उनके माध्यम से भी कहा, उनको मेल किया, फोन किया, व्हाट्सएप छोड़े उनके नंबर्स पे जो उनके सेक्रेटरीज थे,
बहुत महीने से मैं उनके पीछे भी लगा हुआ हूँ। अब तो चलो ऐसी समस्या है कि इस समय दिमाग में यही है कि किस तरह से ये जो पेंडेमिक्स है इससे ओवरकम कर सकें, इससे हम बाहर आ सकें। अब जो माहौल है अभी कोरोना वगैरह कब देख रहे हैं कब जी पुलिस ट्रेनिंग? हाँ जी, पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जो नए पुलिस ऑफिसर होते हैं उनको मैं ट्रेनिंग देता हूँ एंटी करप्शन ब्यूरो के साथ मिलकर करप्शन के बारे में, जो नए नए लड़के लड़कियां आते हैं। अभी आप दे रहे हैं? जी, 2 साल से दे रहा हूँ। आपका एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें किसी बच्चे को आपने वो कुछ रेस्क्यू का आप ट्रेनिंग दे रहे थे। जी जी, वही तो डिजास्टर मैनेजमेंट रेस्क्यू ऑपरेशन। तो ये पुलिस से रिलेटेड, पुलिस महकमे से रिलेटेड है या जनरल पब्लिक के लिए? ये पब्लिक के लिए है, जो मैंने आपको बताया 19,000 से ज्यादा 19,600 बच्चों को तो ट्रेनिंग दे चुका हूँ, पर अभी और बहुत सारे लाइन में हैं। ये मैं NDRF के साथ मिलकर ट्रेनिंग दे रहा था, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये जो आप ट्रेनिंग देते हैं वो बच्चे आगे कैसे परफॉर्म करते हैं? मेरे यहाँ से 33 लड़के लड़कियां तो मिलिट्री में गए हैं, पुलिस में काफी गए हैं, फायर ब्रिगेड में काफी गए हैं, कुछ लोगों ने अपने छोटे छोटे बिजनेस किए हैं। सबसे बड़ी बात है वो बहुत ईमानदार नागरिक बन गए हैं। वो अपना धर्म, वो अपना धर्म और मातृभाषा अपने रखते हैं, दिल में रखते हैं। जब बाहर निकलते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी हैं, और ये भाषा है उनकी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सर, इसके लिए तो वाकई आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना पड़ेगा, धन्यवाद देना पड़ेगा, और आपकी हौसला अफजाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो देश को बनाने का काम है ये सबसे पुण्य का काम है। देश का भविष्य जो है वो आपने जिस तरीके से सुधारना शुरू किया है, जी। तो वाकई ईश्वर की आपके ऊपर कृपा है और आगे होनी जी। लेकिन ये अब मैं इसको ये करना चाह रहा हूँ कि जो चीजें आप कर रहे हैं वाकई सारी चीजें सराहनीय हैं, लेकिन एक बात और भी आपने कही अभी बीते समय में कि पावर का होना बहुत जरूरी है आपके साथ। बहुत जरूरी है। तो मैं एक और चीज कहता हूँ इन लोगों को, मुझे पावर नहीं चाहिए, लेकिन पावर मुझे पीछे से सपोर्ट करती रहे। पावर मतलब जो पॉलिटिकल पावर्स हैं, मिनिस्ट्री और सेक्रेटरी लेवल की पावर। मुझे ना नाम कुछ चाहिए, ना सर्टिफिकेट चाहिए, ना पेपर में कोई पब्लिसिटी चाहिए। मैं लोगों को कहता हूँ आप ले लो पब्लिसिटी, काम मुझे करने दो, लेकिन मेरे काम में जो जरूरत है, मुझे जो रस्सियां चाहिए, मुझे एक छोटी सी एम्बुलेंस टाइप की बस चाहिए जिसमें मैं ट्रेनिंग के लिए ले जाऊं। अनिल मोरार का साथ में मुझे दी थी एक, लेकिन वो बहुत पुरानी हो गई, खराब हो गई, तो वो बेच देनी पड़ी। मैं उस परिवार का जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है, मोरार का परिवार की। अब एक आखिरी सवाल कि आपके गाने की चर्चा बहुत होती है, बतौर सिंगर भी कई लोगों ने आपको जी और उसमें भी सबसे खास बात ये है कि आप, मैंने कहीं पढ़ा था कि आप अगर गाते हैं तो सिर्फ देशभक्ति के गाने गाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा कौन सा गाना है जो आपके दिल के करीब? वैसे तो मैंने कई गाने लिखे हैं, लेकिन एक कबीर साहब का थोड़ा सा लेकर थोड़ा सा अपना उसमें जोड़ा है, वो गाना बहुत अच्छा है हमारे। और एक तो हमारा गाना है कई कई त्योहार यहाँ पर, कई कई हैं बोलियां, जैसे सूरज की किरणों में रंगों वाली टोलियां, गंगा गांधी और गाय है जीवन का आधार जहां, कश्मीर से अरुणाचल तक प्यार का है व्यवहार जहां, ऐसा हिंदुस्तान हमारा, ऐसा हिंदुस्तान। और जो कबीर साहब के हैं जी, मैंने कहा इसको अपनी सुरीली आवाज में सुना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दूसरा सुनाता हूँ एक, कि देश प्रेम है, आप बोलेंगे जय हो, ठीक है, कि देश प्रेम है, जय हो बोलना आपने, कि देश प्रेम है, चल भला करेंगे, कि भाईचारा, चल सत्य कहेंगे, चल संग चलेंगे, चल संग रहेंगे, कि प्रेम एकता का सुंदर नारा, कि प्रेम एकता का सुंदर नारा। अरे बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोए, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोए, और जो मन देखा अपना, हो हो हो,
और जो मन देखा अपना तो मुझसे बुरा ना को, अरे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अरे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परले होवेगी, पल में परले होवेगी, बहुरी करेगी कब कि देश प्रेम है जय हो, चल भला करेंगे होय होय, कि भाईचारा, कि भाईचारा, चल सत्य कहेंगे, चल सत्य कहेंगे, चल सत्य कहेंगे, वंदे मातृभूमि। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आपने जो एक लक्ष्य साधा है, मैं बार बार आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि उसमें शक्ति का समावेश कीजिए। मैंने दक्षिण भारतीय एक फिल्म में हिंदी का डायलॉग मैंने सुना था, उसमें हीरो कहता है कि मैं सही काम गलत तरीके से करता हूँ। मुझे भी बहुत लोगों ने सलाह दी थी ये कि इस काम को करो, लेकिन कहीं संस्कार इतने सशक्त हैं, इसलिए मैंने अभी देखिए आजकल हमारी जो मदद कर रहे हैं वो मिस्टर तरुण राठी जी सहयोग करते हैं, कुछ हमारे किराए वगैरह के लिए फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, तो एक मिनट तो उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि जब जब हमने उनको कहा हमें खाना चाहिए खाना दे दीजिए, हमें बस किराए की चाहिए बस दे दीजिए, हमारे किराया नहीं है दे दीजिए, दे देते हैं हर चीज के लिए, लेकिन सही मानों में जितना मेरे पास जो प्लानिंग्स हैं, जो प्रोजेक्ट हैं, उसमें बहुत अभी पैसे की जरूरत है। अभी मैं चाह रहा हूं कि कोई भी हमें देश में 20 से 25 एकड़ अगर जगह दे दे तो वो मैं गुरुकुल शुरू कर दूं। देखिए हमारे देश में सिर्फ कचरे की या पॉलिथीन की या शौच की समस्या नहीं है, नौकरियों की समस्या है, लेकिन उससे भी बड़ी एक समस्या है, वो है आपसी घृणा की समस्या, राष्ट्रवादिता की समस्या बहुत बहुत बड़ी है। मैं अपने आप को हिंदुस्तानी कहता ही नहीं हूं, जब तक मैं अपने आप को हिंदुस्तानी कहूंगा नहीं तब तक बाजार में समस्याएं रहेंगी, तब तक मंदिर मस्जिद जलाए जाते रहेंगे, तब तक गरीब लोगों को मारा जाता रहेगा, चाहे वो साल में एक बार हो चाहे वो दो साल में एक बार हो। तो जो मेरे पास से बच्चे निकल रहे हैं उनका इतना सशक्त चरित्र निर्माण करता हूं, ये हनुमान जी की बड़ी कृपा है, मैं बता रहा हूं, मेरे माता पिता का बड़ा आशीर्वाद है के, और उसमें लालच ये नहीं होती कि तू कल को कमाएगा या कमाएगी तो मुझे कुछ परसेंटेज दे देना, ना, तुम जाओ अपना जीवन संभालो, अपने परिवार को संभालो, अपने देश के लिए कभी किसी से बुरा सुनना मत, बस। सर अभी की बात मैं भी जोर से कहूंगा, जय हिंद, जय हिंद, मिलते हैं, बिल्कुल, धन्यवाद।